सावली पुलिस की कार्रवाई में अवैध 78 गौवंश मवेशी के साथ दो ट्रक पकड़े, 27,80,000 का मुद्दे माल जब्त किया। 22 जून की रात के दौरान सावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध गौवंश मवेशियों की वाहतूक होने की गुप्त जानकारी के आधार पर सावली टाउन में अचानक नाकाबंदी की गई। सुबह अंदाजन 7:30 बजे के दौरान मिली गुप्त खबर के मुताबिक गढ़चिरौली दिशा की ओर से एक के पीछे एक आने वाले दो ट्रक रोककर निरीक्षण किया गया। दोनों ही ट्रक में छोटे बड़े कुल 78 गौवंश मवेशी वाहन की क्षमता न होने पर भी खचाखच मुंह और पैर बांधकर उन्हें बैठाया गया था। दोनों ही ट्रक के 78 गौवंश मवेशी जिसकी कीमत अंदाजन 7,80,000 रुपए, टाटा कंपनी के दो ट्रक क्रमांक MH04CU9295 और CG24S2672 जिसकी कीमत 20,00,000 रुपए, ऐसा कुल 27,80,000 का माल जब्त किया गया। जब्त किए गए मवेशियों को उनकी सुरक्षितता और स्वास्थ्य की दृष्टि से कृष्णा गौशाला तोहो गांव गोन पीपरी में दाखिल किया गया। आरोपी अब्दुल राजिक अब्दुल रफीक उम्र 36 वर्ष, मोहम्मद असलम मोहम्मद आजम उम्र 34 वर्ष, रेहनुद्दीन फकरुद्दीन उम्र 25 वर्ष निवासी मूर्तिजापुर और ट्रक क्रमांक CG24S2672 का चालक फरार है। ऐसे चार आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संवर्धन कायदा कलम 5 अ ब जानवरों को क्रूरता से रखने पर प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई प्रभारी पुलिस अधीक्षक माखनीकर, प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक शेखर देशमुख, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मल्लिकार्जुन इंगड़े, थानेदार आशीष बोरकर इनके मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार दर्शन लाटकर, विशाल दुर्योधन, पुलिस कांस्टेबल धीरज पिदुरकर, चालक पुनेश्वर कुड़मेठे ने की। 22 सकाळी आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली की गच्चिरोली ते मुघल मार्गावर अवैध गोवंश तस्करी होत आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ नाकाबंदी लावली आणि नाकाबंदी लावून वाहन चेक केले असता आम्हाला एक टाटा ट्रक क्रमांक MH04 9295 ह्यामध्ये आम्हाला गोवंश जनावर मिळून आले आणि तसंच काही अंतरावर आम्हाला एक दुसरा ट्रकसुद्धा आम्ही चेक केला असता संशयित दिसून आला, तर त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला गोवंश जनावरे अवैधरित्या बांधलेल्या अवस्थेत मिळून आले। दोन्ही ट्रक मिळून एकूण 78 गोवंश जनावरे आम्ही जप्त केलेले आहेत। जनावरांची किंमत एकूण 7,80,000 आणि दोन ट्रक एकूण 20 लाख असा एकूण 27,80,000 रुपयाचा माल आम्ही जप्त केला। सदर गुन्ह्यामध्ये गुन्हा नोंद करून यामध्ये 3 आरोपी अटकेत आहेत आणि जो एक जे ट्रक चालक आहे तो पडून जाण्यात यशस्वी झाला। सदरचे 3 आरोपी व फरार आरोपी यांच्यावर महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, प्राणी छळ प्रतिबंधक अधिनियम आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम तसेच मोटर वाहन कायदा ह्यानुसार ह्याच्या विविध कलमांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। पुढील तपास सुरू आहे।